कश्मीर में पिछले 10 सालों के बाद पहली बार केसर की इतनी अच्छी पैदावार हुई है कि केसर उगाने वाले किसानों के चेहरे खिल गए हैं। पुलवामा जिले में केसर के खेतों से हमारे संवाददाता खालिद हुसैन की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। खुली वादियों में बैगनी रंग के ये फूल घाटी में किसानों को नई उम्मीद दे रहे हैं। बैगनी रंग का यह पौधा आगे जाकर केसर का रूप लेता है। आपके घरों में इस्तेमाल होने वाला केसर सीधे कश्मीर घाटी से आता है। पिछले 10 सालों में घाटी के अंदर केसर की खेती को कुदरत की ही नजर लग गई थी, मगर इस बार एक दशक में पहली बार केसर की रिकॉर्ड पैदावार हुई है। ऐसा लगभग 7-8-10 साल के बाद ऐसा क्रॉप आया, ऐसा क्रॉप देखने को नहीं मिलता था, तो फार्मर जो है ने उम्मीद छोड़ी थी कि ऐसा क्रॉप आने वाला है। कश्मीर में 3,500 हेक्टेयर की जमीन पर केसर की खेती होती है, वो पुलवामा जो बरसों से आतंकवाद का दंश झेल रहा है। उसी पुलवामा जिले के इस इलाके में रहने वाले हजारों परिवारों की जिंदगी इस केसर के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये सभी परिवार इन दिनों खेतों से केसर के फूल तोड़ने में व्यस्त है। पुलवामा की ये खूबसूरती अब पर्यटकों को भी खूब भा रही है। बहुत ही अच्छा अनुभव, आज से पहले फोटो में ही खाली देखा था, आज पहली बार नेचर में देखा है, पहली बार हमने लाइव देखा है कि ये केसर कैसे उगता है, केसर बनता है। केसर पर अब GI टैग भी दिया जा रहा है। टैग मिलने से केसर की क्वालिटी भी बढ़ी और किसानों को इसकी अच्छी कीमत भी मिल रही है। उम्मीद है कि इस साल केसर की रिकॉर्ड तोड़ खेती से पिछले सालों के नुकसान की भरपाई हो पाएगी। विश्व भर में प्रसिद्ध कश्मीर का यह केसर करीबन 3500 हेक्टेयर भूमि पर यहां उगाया जाता है और इस बार दशकों बाद बम्पर फसल हुई है। कश्मीर का केसर किसान न सिर्फ बम्पर फसल से खुश है बल्कि उम्मीद करता है कि GI टैगिंग के कारण कीमतों में भी बढ़ावा होगा। कैमरा पर्सन फार्म मंजूर के साथ खालिद हुसैन, जी मीडिया, लेथपोरा, कश्मीर।